so bad. Hello friends, welcome to iReviews. दोस्तों मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे आप गूगल हेलो को कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने गूगल हेलो के बारे में काफी कुछ बता दिया था और अब हम बताएंगे कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और आप इसके फीचर्स को कैसे अपनी चैटिंग में इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है और मैं प्ले स्टोर में ओपन करता हूं और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं गूगल अलो और गूगल अलो लिखते ही यहां पे आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन यहां पे खुल रही है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और तो यहां पे इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल करता हूं और मैंने एक्सेप्ट कर दिया, वो डाउनलोडिंग हो रहा है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अभी तक 5 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है और 4.2 की इसकी रेटिंग है। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दी हुई हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा ये दिखेगा। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको करते हैं यहीं से ओपन। डायरेक्टली ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कंट्री का कोड्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ इंडिया का कोड इसने डिटेक्ट कर लिया है और मैं अपना रजिस्टर करता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है और ये वेरीफाई कर रहा है अभी। जैसे कि मैंने इसको पहले यूज़ किया था एक बारी तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा नाम और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है और ये आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं इधर प्रोफाइल है आपकी, आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स हैं। आपने अगर यहाँ पे किसी को ब्लॉक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कौन से ब्लॉक कॉन्टेक्ट हैं। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स आपकी यहाँ पे हैं, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इधर हेल्प एंड फीडबैक, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यह चीज़ की कमी है तो आप यहाँ पे जाके उसके लिए रिप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और फीचर है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी सारे। नीचे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं और ऊपर हमारे ग्रुप चैट है, एक इनकॉग्निटो मोड है और गूगल असिस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम ग्रुप चैट में देखते हैं क्या है। ग्रुप चैट में दोस्तों वैसे तो ग्रुप होना चाहिए, मेरा इस पर कोई ग्रुप नहीं है तो मैं इसको दिखा नहीं सकता, तो नॉर्मल चैट करते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ, ये मैंने कॉन्टेक्ट ले लिया है और मैं इनको रिप्लाई करता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इनको रिप्लाई किया तो मैंने सेंड कर दिया है और वहाँ पे आ चुका है और मैं उनका रिप्लाई का वेट करता हूँ, वो रिप्लाई करते हैं और उन्होंने भेज दिया है तो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। एक इसमें एक फीचर और है, अच्छा मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आप अपने टेक्स्ट को जितना चाहे बड़ा लिख सकते हैं, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सेंड वाला जो ऑप्शन होता है, ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस एक आपको यहाँ पे कर्सर मिल जाता है, छोटा बड़ा करने के लिए आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इजीली। और अगर कोई आपको रिप्लाई करता है तो वो भी बड़ा रिप्लाई आता है, जो कि इसका एक काफ़ी अच्छा फीचर है बाकी चैटिंग एप्लीकेशंस में तो ये फीचर अभी तक है नहीं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्लस का सिंबल, प्लस के सिंबल पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे को एक कैमरा मिल जाता है, कैमरा ऑन कर देता है। कैमरे में ये है कि आप अपनी लाइव वीडियो जो भी रिकॉर्ड करनी है आपको, या तो फ़ोटो खींच के आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने इसको सेंड कर दिया है अपने फ्रेंड को। और अगर मेरे को वापस से कीबोर्ड पे आना है तो यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ मेरे गैलरी में से अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं गैलरी में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने गैलरी में से सेलेक्ट किया और मैंने सेंड कर दिया तो वो डायरेक्टली सेंड हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे इधर कोने में एक गूगल का वॉइस कंट्रोल है, आप यहाँ से
डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड करके। मैं इसको दिखाता हूँ, मैंने इसको अलाउ कर दिया है। और हेलो, हाउ आर यू? अभी ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मे बी शायद मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से ये सब दिक्कत दे रहा है। तो कोई नहीं है, फिर भी यहाँ पे काम करता है और काफ़ी अच्छा फीचर है। आप यहाँ पे इमोजीज देख सकते हैं, काफ़ी सारे इमोजीज हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेंड कर दिया है। और काफ़ी अच्छा है ये दोस्तों, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। मैं कुछ अट्रैक्टिव सा एक डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये डाउनलोड मैंने कर दिया है, जूलियो द बुल। यहाँ पे देख लेंगे आप, ब्राउज ऑल का है और माई स्टिकर्स में मेरे पास ये कुछ इस तरीके के स्टिकर्स हैं, चार कैटेगरी के स्टिकर हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। और तो चलिए, ये था हमारा डिफ़ॉल्ट मोड। अब बात करते हैं हम इसके इनकॉग्निटो मोड की। दोस्तों इनकॉग्निटो मोड जो है इसका वो काफ़ी अच्छा है। और ये इनकॉग्निटो मोड में मैं चैट करता हूँ, आप यहाँ पे चैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आता है चैट डिटेल, म्यूट, क्लियर हिस्ट्री, फीडबैक एंड हेल्प। अगर आप इस ऑप्शन पे थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइमिंग के लिए एक घड़ी है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चैट एक्सपायरी टाइम बता पूछ रहा है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सपोज दैट मैं 10 सेकंड का यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और देखते हैं कि 10 सेकंड के बाद ये हमारी उसको रिकॉर्ड करता है या नहीं रखता। तो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, दोस्तों इसमें हमारे पास वो टेम्पलेट्स नहीं आते हैं क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड है। इनकॉग्निटो मोड में आपको पूरी 100% प्राइवेसी मिलती है। तो दोस्तों देखिए, 10 सेकंड उस वर्ड को पूरा हो गया था लिखे हुए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ डिलीट हो गई है। ठीक, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े देर लंबे टाइम के लिए चाहिए उस हिस्ट्री को, आप उस चैटिंग को लंबे टाइम के लिए रोक सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं टेम्पररीली। अब बात करते हैं दोस्तों गूगल असिस्टेंट की। गूगल असिस्टेंट जो इसका है फीचर, काफ़ी अच्छा फीचर है और बाकी किसी भी एप्लीकेशन में अभी तक इस टाइप की सर्विस आपको नहीं मिलती देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे पूछता हूँ कि हु आर यू, तो देखते हैं क्या जवाब देता है। ओके, इसने यहाँ पे कुछ दे दिया है चैटिंग के लिए, यहाँ पे इसने दे दिया है। मेरे ख्याल से शायद ये सब काम करता है। और चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम देखते हैं कि रिमाइंडर सेट करता है कि नहीं। मैं अलार्म सेट करके देखता हूँ। और देखते हैं क्या आता है आगे। जैसे कि अभी 5:41 हुई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 5:42 की। इसने मेरा अलार्म सेट कर दिया है, जैसे कि आपने इधर देखा होगा स्क्रीन पे। और देखते हैं बजेगा कि नहीं, बजना तो चाहिए, बट फिर भी वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। दोस्तों अलार्म बज गया है, तो थम्स अप। मैं इसको क्लोज करता हूं और इसने रिप्लाई दिया है। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि हम किसी दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे को यहाँ पे फोन्स भी दे रहा है और रिप्लाई भी कर रहा है उतनी फास्ट। मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ इसके तरीके से और इसकी सर्विस से।
दोस्तों हम पूछते हैं नियर बाय रेस्टोरेंट मेरे कौन सा है। सपोज दैट मेरे को कहीं पे जाना है तो इसने मेरे यहाँ पे नज़दीक में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इसने दे दिया है। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन करता हूँ शो ऑन द मैप तो ये मैप में मेरे को खोल के दे देगा, आप जाके डायरेक्टली उसको ट्रैक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को बिना किसी हेजिटेशन के। चलिए मैं इससे बोलता हूँ कि एक गेम प्ले करें मेरे लिए, देखते हैं प्ले करता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे कुछ गेम्स दे दिए हैं इसने और यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। जैसे मैंने क्लासिक गेम पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मैंने टिक टैक टॉय प्ले करा है और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और चलिए मैं एक देखता हूँ अगर ये YouTube यहाँ से डायरेक्टली चलाता है तो मेरी वीडियो है डीजी लॉकर, देखते हैं ये क्या करता है। दोस्तों यहाँ पे इसने इस तरीके से कुछ लिंक दे दिया, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे उस चीज़ को प्ले कर देता है। मतलब कहने का ये है कि आप लोग डायरेक्टली भी एप्लीकेशन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, YouTube देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप, YouTube का ऑप्शन बटन है इधर, आप उस पर क्लिक करके YouTube भी खोल सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली YouTube चल जाएगी। और जो कि अच्छे फीचर्स हैं इसके, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और दोस्तों अमेजिंग, आप लोग बाकी अभी तक जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं गूगल अलो के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास गूगल के तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए और आप उस वीडियो को अपने फ़ोन में डायरेक्टली देख सकें। दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग अस ऑन आई रिव्यूज़।